आज रामलला का दर्शन करने आप आए हुए हैं और आज रुझान आ रहा है जी, बहुत लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो चुनाव का महापर्व चला आज उसका मान के चलिए पुनहौती है, पर प्रसाद का जैसे माहौल रहेगा, आज की खुशी की दुनिया है। आज कम से कम हर घर में एक दीपक जलना चाहिए इस खुशी के त्यौहार में। आज बहुत बड़ी त्यौहार है हम लोग हिंदू धर्म के लिए, बहुत बड़ा त्यौहार है। आज दोनों तरफ ही खुशी है, एक विपक्ष की तरफ भी खुशी है, एक माननीय हमारे नरेंद्र मोदी की तरफ खुशी है। इसलिए खुशी हमारे नरेंद्र मोदी आज देश का प्रधानमंत्री तीसरे कार्यकाल में बनेंगे, एक खुशी उन लोगों के लिए है जो अपने नानी घर चले जाएंगे। आज आज दोनों पक्ष से खुशी है, जो राम का नहीं हो वो किसका होंगे, जो राम का नहीं हो किसी का। आज दोनों तरफ से खुशी है, आज विपक्ष भी खुशी मना रहा है कि हम अपने नानी घर इटली चले जाएंगे। हमारे मोदी जी तो है ही, हमारे मोदी जी के चलते ही वो लोग इटली जाएंगे, वहाँ के लोग भी इनके कारण ही बोलेंगे अतिथि देवो भव नमः। क्या नाम आपका? मेरा नाम हरिकेश हिंदू, अब आज मैं हिंदू, अब कोई टाइटल नहीं चलेगा, अब अपना हिंदू राष्ट्र देश होने जा रहा है, सब अब अपने नाम के आगे हिंदू लगाए। मैं सर अयोध्या में पहली दफ़े आया है, हमारा 500 लोगों का समूह आया है और आज की स्थिति में मैं जो भी मतलब कि अयोध्या की मतलब कि स्थिति देखता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद होता है कि वाकई मतलब कि राम मतलब कि यहाँ पे वास्तव में मतलब कि यहाँ स्थित है। आज रामलला का दर्शन करने आए हैं? बिल्कुल साहब, रामलला का दर्शन करूँगा और रामलला के दर्शन के लिए बड़ी आत्मीयता से हम लोग आए हैं और 400 पार मोदी है। आज अभी रुझान आने वाला है, कैसे क्या कह रहे हैं? पूरे सकारात्मक, आप निश्चिंत रहिए, सरकार मोदी जी की बनेगी और योगी जी की मतलब आगे मतलब और भी इनकी तरक्की होगी, हो सकता है कि उनको होम मिनिस्ट्री दिया जाए। क्या कारण है कि आपको ये? उनका प्रशासन पे बहुत ही मतलब है, उन्होंने फैसले किए, उनका कौन रोने वाला है, पोता बेटा कुछ नहीं है। आज उनके योगी जी के पिताजी की देहांत हुआ तब भी वो वहाँ पे अर्थी देने नहीं पहुँचे, उससे बड़ी क्या सेवा करेंगे। चुनाव के रुझान को में राम मंदिर भी कुछ योगदान है? बिल्कुल है, बिल्कुल है सर। कैसे? हर तरह से मतलब के गांव-गांव से मतलब के ईंटें भिजवाई, जो भी ये पत्थर आए ना ये राजस्थान के मतलब के सिरो डिस्ट्रिक्ट से आए, वहाँ से मैं बिलोंग्स करता हूँ। राम मंदिर के सारे पत्थर मतलब के हमारे यहाँ से आए और लोगों की भावना इतनी जागृत हो कि किसी ने नहीं पूछा कि लाखों का दान दे के करोड़ों का दान दिया। सबसे ज्यादा आज की तारीख में मतलब दान आया था राजस्थान प्रदेश से आया। क्या नाम आपका? मेरा नाम कांति कश्यप। कहाँ से? मैं राजस्थान से सर। हम लोग रांची से आए हुए हैं अयोध्या नगरी में राम लल्ला के दर्शन के लिए और हमारे साथ बहुत बड़ी ग्रुप है। आज का दिन पावन दिन है क्योंकि आज देश का भविष्य भी का भी निर्धारण है। हम लोगों ने पहले से तय करके रखा था कि इस दिन हम लोग अयोध्या नगरी में ही रहेंगे, यहाँ से देश का जो भविष्य निर्धारित होगा। रुझान हमारा जो देश का जो रुझान हम देख रहे हैं बहुत दिनों से देख रहे हैं, जिन्होंने काम किया है दिल से नरेंद्र मोदी की तरफ, हम लोग उनको ही चाह रहे हैं। क्या मानते हैं कि राम मंदिर भी एक मुद्दा तो है हमारा ये हमारे देश का ये स्वाभिमान है, जिस स्वाभिमान से हम लोग वंचित थे इनके द्वारा मोदी जी के द्वारा ही इस स्वाभिमान से फिर हम लोगों को ये मिला है, सम्मान मिला है। क्या नाम आपका? मैं विजय गुप्ता हूँ। क्या मानते हैं कि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री? बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए क्योंकि तभी हमारा देश का भविष्य सुरक्षित रहेगा। लाल महल्ला से यही मांगे हैं कि हमारे देश की सुख समृद्धि बनी रहे, सभी संप्रदाय के लोग सुख शांति से रहें। मोदी जी के लिए उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम चाहते हैं कि वो अजन्म अमर रहें और हमारे देश की
सुरक्षा और हमारी जी फिर से हम विजय गुप्ता सर कहाँ पे आए हैं, कैसे लग रही रामलीला? हम आंध्र प्रदेश से आए हैं और हमें अयोध्या में हमारा पहला विजिट है यहाँ पे और हमें अयोध्या बहुत अच्छा लग रहा है और भव्य मंदिर का आयोजन किया गया है और बहुत शानदार और खूबसूरत चीज बनाई गई है। रामलला के लिए दर्शन के लिए आए हैं। आज चुनाव का रुझान आने वाला है, मतगणना होने वाली है जी, कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? आज हमें पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी थर्ड टर्म में तीसरी बार भारी बहुमत से ऐतिहासिक जीत अर्जित करेंगे और देश को बहुत आगे ले जाएंगे और 2047 तक विकसित भारत की नींव रखी हुई है उन्होंने, जो उनका सपना साकार होगा और हम बहुत खुश है कि आज तीसरी बार मोदी जी बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से लोकसभा में बहुमत मिलेगा। आज और दर्शन करने आए क्या भगवान रामलला से मांगने आए? यही मानना चाहे कि देश में खुशहाली रहे और देश बहुत आगे चले और पूरे विश्व का कल्याण हो और वसुधैव कुटुंब की तरह देश आगे बढ़े और पूरे देश और विश्व का कल्याण हो, यही मोदी जी का सपना है। क्या नाम आपका? श्रीपाल रावल।